हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ नया इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये क्वेश्चन हर इंटरव्यू में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ओके दोस्तों, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इससे अच्छा दोस्तों कि वीडियो का स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, तब आपको क्वेश्चन कुछ समझ में आएगा। अगर स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ना इंटरव्यूअर के पास आप बता पाएंगे। ओके दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करते हैं इकोनोमाइजर की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत से दोस्तों का, कमेंट में भी मैसेज आया कि सर इकोनोमाइजर क्या होता है, इकोनोमाइजर बताइए। तो हम आज बताना चाह रहे हैं कि इकोनोमाइजर जो होता है दोस्तों, ये मान लीजिए इकोनोमाइजर। ओके दोस्तों, तो इकोनोमाइजर का काम क्या है? इकोनोमाइजर का काम क्या है? ये हमारा सिस्टम में लगा होता है, ये जहां पे दो स्टेज जो हमारा चिलर होता है, जहां पे दो कंप्रेसर लगे होते हैं, ये सिंगल स्टेज पे नहीं होता है, लेकिन जहां पे दो स्टेज लगे होते हैं, कम से कम दो स्टेज होना चाहिए, तो ये इकोनोमाइजर वहां पे काम करता है। ओके दोस्तों, तो इकोनोमाइजर समझने के लिए हमको आपको एचवीसी साइकिल समझना पड़ेगा। तो जिसको एचवीसी साइकिल पता है, तो उसको इकोनोमाइजर के पतन पर पता होगा। हम अभी इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो हम लिंक में बनाए, लेकिन एक शॉर्ट में आपको बताना चाहेंगे कि इकोनोमाइजर का काम क्या है। ओके दोस्तों, इकोनोमाइजर का काम क्या है कि ये क्या करता है, अगर आपका कंडेंसर से जो हमारा लिक्विड इसमें आता है, ओके दोस्तों, तो कंडेंसर से लिक्विड जो आया, तो क्या करता है, अगर कंडेंसर से लिक्विड आने के साथ में अगर सही से कंडेंसिंग नहीं हो पाया, किसी वजह से आपका फैन बंद है या आप फैन को चलाना भूल गए, तो सही से ये कंडेंसिंग नहीं कर पाया और ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो क्या हो गया, लिक्विड तो आ गया, पूरा 100% लिक्विड चेंज नहीं कर पाया, लेकिन साथ में क्या हो गया, कुछ वेपर भी आ गया, तो ये वेपर भी आ गया, तो वेपर में क्या हो गया, वेपर को फिर इसका इकोनोमाइजर का क्या काम है, उस वेपर को 100% लिक्विड चेंज करके आगे भेजना है। ओके दोस्तों, सेम हीट एक्सचेंजर की तरह इसका काम है, सही से वो कंडेंसिंग नहीं कर पाया, तो वो क्या करता है, इसमें गया, अब कंप्रेसर में जाना है तो हमको 100% वेपर जाना है, अगर कंप्रेसर में आपका लिक्विड चला जाता है तो हमारा क्या है, कंप्रेसर खराब हो जाएगा, डैमेज हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए, कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए, तो इसमें क्या होता है, लिक्विड अगर इवापोरेटर से अगर इसमें लिक्विड आ गया, इवापोरेटर से सही से वेपर पूरा 100% वेपर नहीं बना पाया, अगर इसमें थोड़ा बहुत लिक्विड आ गया, तो लिक्विड को क्या करता है, ये 100% वेपर बना के ये फिर हमारा कंप्रेसर में देता है। ओके दोस्तों, तो ये चीज याद रखना है, कंडेंसर से अगर आया तो लिक्विड नहीं अगर सही से बना पाया, वेपर आ गया तो वेपर से लिक्विड बना के देता है, और इवापोरेटर से क्या होता है दोस्तों, इवापोरेटर से अगर सही से वेपर पूरा 100% नहीं आ पाया, तो ये क्या करता है, 100% वेपर बना के फिर हमारा कंप्रेसर में देता है। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी एक हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है। अब आइए दोस्तों, दूसरा क्या है, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है, ये भी मान के चलिए हमारा कंप्रेसर है दोस्तों, ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर के बगल से ही एक लाइन इसमें होता है, लगा होता है एक्यूमुलेटर, ये मान लीजिए एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर है, ये कंप्रेसर, ये एक्यूमुलेटर है, ये कंप्रेसर है। तो एक्यूमुलेटर क्या होता है, ये जो एक्यूमुलेटर हमारा जो होता है, ये यहाँ मान के चलिए ये अभी हमारा जो है डिस्चार्ज होता है यहाँ से। ओके दोस्तों, तो ये हम एक एक्यूमुलेटर यहाँ लगा देते हैं, तो एक्यूमुलेटर का क्या काम है, सेम उसी तरह है, देखिए यहाँ पे कंप्रेसर हो गया, यहाँ पे कंडेंसर हो गया, यहाँ पे एक्सपेंशन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कंडेंसर इवापोरेटर, यहाँ पे आपका हो जाएगा इवापोरेटर, यहाँ पे हो गया कंप्रेसर, कंप्रेसर हो गया। तो क्या हुआ दोस्तों, ये ज्यादातर हमारा जो है स्प्लिट एसी वगैरह में देखिएगा यूज होता है, एक्यूमुलेटर जो होता है, स्प्लिट एसी का आउटडोर जब आप खोलिएगा तो देखिए पे ये हमारा जो कंप्रेसर जो है इसमें साथ में अटैच होता है। ओके दोस्तों, तो क्या होता है, ये यहाँ कंप्रेसर से पहले के जब इवापोरेटर से जो हमारा इंडोर से जो हमारा आता है, तो यहीं पे क्या होता है, यही कंप्रेसर के
लाइन में एक एक्यूमुलेटर लगा दिया जाता है। ओके दोस्तों, तो ये एक्यूमुलेटर लगा दिया जाता है, ये एक्यूमुलेटर, ये कंप्रेसर हो गया, इसी से एक्यूमुलेटर लगा दिया और ये लाइन लाइन इसे इवापोरेटर में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इवापोरेटर से क्या होता है, इवापोरेटर से हमारा 100% अगर वेपर नहीं आता है तो क्या होता है, इवापोरेटर से सबसे पहले इसमें आता है, इवापोरेटर से जो हमारा आउट होता है तो इसमें आता है। मान के चलिए इवापोरेटर में क्या है, हमको कंप्रेसर में 100% वेपर भेजना है, अगर वेपर नहीं भेजिएगा तो हमारा कंप्रेसर खराब हो सकता है, कंप्रेसर कॉस्टली होता है, अगर कंप्रेसर तो सेफ्टी हमको बचाना है, तो क्या होता है दोस्तों, एक एक्यूमुलेटर सेफ्टी के लिए लगा दिया जाता है। अगर इवापोरेटर से आपका 100% वेपर नहीं बना पाया, कोई अगर उसमें मॉइस्चर आ गया या किसी तरह का लिक्विड आ गया, तो क्या दोस्तों एक्यूमुलेटर का क्या काम है, ये क्या करता है, मॉइस्चर को सोख लेता है, और इवापोरेटर में अगर लिक्विड आ गया तो ये क्या करता है, ये 100% आपका जो है इसमें गैस भेजता है कंप्रेसर में इसमें। तो अभी हम जो आपको बताएं, अभी हम बोर्ड में बता रहे हैं, देखिए दोस्तों ये आप फिगर से भी समझाना चाह रहे हैं, देखिए दोस्तों ये हमारा जो एक सक्शन लाइन है ये देख रहे हैं, ये इसमें क्या है दोस्तों, ये हमारा देखिए इसमें से जो हमारा जो है इवापोरेटर से जो हमारा आ रहा है इसमें जा रहा है, ये नीचे वाला जो है ये एक्यूमुलेटर है दोस्तों, तो एक्यूमुलेटर क्या कर रहा है, इसमें जाके इसमें इन हो रहा है, नीचे इसमें जाके इन हो रहा है, इन होने के बाद फिर ये मोटा वाला जो पाइप है, ये मोटा वाला पाइप है, फिर इसमें जो है लिक्विड अगर आ जा रहा है या मॉइस्चर आ रहा है तो क्या करता है, इसको मॉइस्चर को खत्म करके, या जो लिक्विड अगर थोड़ा बहुत आ जा रहा है, फ्लैश लिक्विड अगर आ रहा है, तो इसको खत्म करके 100% ये गैस कहाँ भेजता है, ये कंप्रेसर में भेजता है, ये हमारा 100% हमारा इसमें वेपर आता है। ओके दोस्तों, सॉरी, इसमें हम मेरा हमेशा जो है 100% वेपर आता है, अगर वेपर नहीं होगा तो हमारा कंप्रेसर खराब होने का चांस रहता है, इसलिए सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। ओके दोस्तों, फिर यहाँ से क्या है, अपना डिस्चार्ज करता है हमारा वेपर, तो ये हम अभी दोस्तों बताएं। ओके दोस्तों, अब दिखाएंगे कि एक्यूमुलेटर का क्या काम है। देखिए मेन फंक्शन जो एक्यूमुलेटर का होता है, एक देख पा रहे हैं, एक्यूमुलेटर लोकेटेड बिटवीन इवापोरेटर एंड कंप्रेसर, ये कहाँ लोकेटेड होता है, ये इवापोरेटर एंड कंप्रेसर के जो लो साइड होता है वहाँ पे ये उसके बीच में होता है। ओके दोस्तों, दूसरा क्या है, प्राइमरी फंक्शन इज टू सेपरेट द वेपर फ्रॉम द लिक्विड एंड ऑयल, ये क्या करता है, सेपरेट करता है वेपर फ्रॉम द लिक्विड एंड ऑयल, ऑयल और लिक्विड से क्या करता है, वेपर को सेपरेट करता है और उसके बाद वेपर को कंप्रेसर में डालता है। ओके दोस्तों, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, यूज होता है एसपीटीस वगैरह ज्यादा यूज होता है एक्यूमुलेटर, जिसमें क्या होता है, अगर लिक्विड आ गया तो क्या करता है, 100% इसको वेपर करके भेजता है। ये हमारा एक है टाइप्स ऑफ फिल्टर। एचयू में जब जाते हैं तो बहुत सारे फिल्टर लगे होते हैं, तो ये कौन कौन सा फिल्टर लगा होता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा फिल्टर। आप देखिए दोस्तों, उसमें एक मेटल फिल्टर लगा होता है, मेटल फिल्टर हो गया, दूसरा क्या हो गया, बैक फिल्टर है, बैक फिल्टर है, चौथा क्या, तीसरा क्या हुआ चुका, ये हेपा फिल्टर है, ये चौथा क्या है, हेपा फिल्टर हो गया। तो दोस्तों और भी फिल्टर है, एक मेटल फिल्टर, इसको हम प्री फिल्टर भी बोलते हैं, एक होता है चौथा माइक्रो फिल्टर, मेटल फिल्टर भी बोल सकते हैं, मेटल फिल्टर है, बैक फिल्टर है, हेपा फिल्टर है, माइक्रो फिल्टर है। तो इसमें जो दोस्तों ज्यादातर इफिशियंसी जो होता है हमारा हेपा फिल्टर का, ज्यादातर इफिशियंसी होता है 99, एक जनरली आप 3-4 बताइए ये काफी है, मेटल फिल्टर, बैक फिल्टर, हेपा फिल्टर, माइक्रो फिल्टर, ये सब बताइए बहुत है। ओके दोस्तों, तो ये चीज याद रखना आपको। अब क्या है दोस्तों, विच इक्विपमेंट इज यूज टू रिमूव बेयरिंग। आप जब एचयू में काम करने जाते हैं तो उसमें मोटर जो लगा होता है उसमें आपका बैरिंग, जब मोटर लगा हो तो उसके अंदर बैरिंग भी होगा, लेकिन जब बैरिंग में साउंड आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गया तो बैरिंग का कैसे चेंज करेंगे, क्या चीज से बैरिंग को रिमूव करेंगे। ओके दोस्तों, टूल्स टूल्स का नाम है, क्या नाम है उसको बोलते हैं, बैरिंग कूलर, बैरिंग कूलर। ठीक है दोस्तों, तो आप बैरिंग कूलर, ये आप इंटरव्यू पूछता है कि आप अगर आप बैरिंग चेंज करते हैं तो उस टूल्स का नाम क्या है जिससे बैरिंग निकालेंगे, तो आप बोलिए बैरिंग कूलर नाम है सर, उसका कूलर नाम है, उससे हम निकाल के चेंज करते हैं। ओके दोस्तों, अब एक बर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट, बर्नियर कैलिपर का जो है लिस्ट काउंट क्या होता है, बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट जो होता है दोस्तों 0.02 यानी 1/50 mm, इतना mm होता है दोस्तों, यानी बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट पूछता है, तो बताइए सर 0.02। ये सब चीज मैकेनिकली है, लेकिन थोड़ा सा एसी में ये सब चीज नॉलेज रखना है,
आपकी वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या आता है, 1/50 ml, यानी जो है 1 mm का अगर 50 भाग कर दीजिएगा तो वो भी ये मेजर कर सकता है। स्क्रू गेज क्या है दोस्तों, लिस्ट काउंट स्क्रू गेज का क्या है, 0.01 इक्वल टू 1/100 mm, 0.01 mm, यहाँ भी mm लिखिए, यहाँ भी एक ही, इसीलिए mm हो रहा है, यानी 1 mm का अगर हम 100वां भाग कर दें तो वो एक भाग को भी मेजर कर सकता है, यानी 1 mm के, अब सोच लीजिए कि 1 mm कितना होता है, और 1 mm के अगर आप 100 भाग भी कर दीजिएगा तो ये क्या है, हमारा स्क्रू गेज क्या है, इसको भी मेजर कर सकता है, और इसमें क्या है, 1 mm को 50 भाग कर दीजिएगा तो एक भाग का जितना होगा वो इसमें मेजर कर सकते हैं। अब दोस्तों तो ये हमारा वीडियो है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर मैं आपके लिए नया इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन कुछ ना कुछ लाता रहूंगा। ओके दोस्तों, तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, किस तरह क्वेश्चन है तो आप मेरा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, और आपको किसी तरह क्वेश्चन है दोस्तों तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 4164 है तो ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट में वीडियो आपके लिए लाऊंगा, इसी तरह मैं इंटरव्यू के लिए कुछ नया नया वीडियो लाऊंगा।